प्लीज राहुल। क्यों नहीं समझ रही मानवी, मैं दोबारा तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। ठीक है मानवी, पर तुम जानती हो ना कि हम वहां पर ऐसे नहीं जा सकते। वो एक क्राइम सीन है और वहां पर एक मर्डर हुआ है जो कि मेरे हाथ से हुआ है। हम ऐसे अकेले वहां पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ सबूत छुपा रहा हूं या मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल कुछ भी करो लेकिन मुझे उस घर में ले चल। देखो ना राहुल, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है। वो बच्ची वहां क्या कर रही होगी? प्लीज चलो। काम डाउन, तुम बैठो यहाँ पर चुपचाप, मैं कुछ करता हूँ। ओके। राहुल क्या हुआ, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? बस 2 मिनट मानवी, जस्ट 2 मिनट्स। राहुल मौसम कितना खराब है, चलो ना हम अंदर से फटाफट जाके हो आएंगे। आ गए। तुम पुलिस वालों का इंतजार कर रहे थे? हाँ मानवी, ये क्राइम सीन है, यहाँ पर एक लाश मिली है। इस तरह यहाँ पर इलीगल है अंदर घुसना, स्पेशली मेरे लिए। हमें परमिशन मिली है, वो भी सिर्फ तब अगर ये लोग हमारे साथ अंदर जाएंगे। एंड हमारी सेफ्टी का भी तो कंसर्न है ना इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू, इट्स अ बिग फेवर फॉर अस, प्लीज। देखो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से घर जा सकती हो, मैं अंदर जाके सब चेक कर लूंगा। नहीं राहुल, जब तक सब कुछ मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। चलो। कौन है वहां पर? क्या हुआ? यहाँ से एक अजीब सी आवाज आई मुझे। देखिए यहाँ पर काफी अंधेरा है, आप लोग ये टॉर्च लीजिए। अब हम यहां देखते हैं। स्ट्रेंज, कुछ नहीं है वहां पर। कौन है? अरे खड़े क्या हो, पकड़ो इन्हें, ये बच्चे नहीं शैतान के बच्चे। तभी तो इनकी रसीद नहीं चाहो सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मुंह ताकते रहोगे? दोनों पकड़ो इसे। अरे आराम से आप, ये किस तरह से पेश आ रहे हैं बच्चों के साथ, थोड़ा नरमी से पेश आइए ना। मैडम प्लीज, मेरी टीम को अपने तरीके से काम करने दीजिए, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपको जो जानना था आपने जान लिया, अब हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। चलो लेके इन्हें। पुलिस है वो मुलजिमों की तरह नहीं ट्रीट करेंगे उन्हें, बच्चों की तरह ही करेंगे। चलो। इंस्पेक्टर। आइए आइए मिसेस सबरवाल जी, आपके हस्बैंड का कॉल आया था कि आप आ रही हैं। अब जी वो बच्चे कैसे हैं? वैसे तो वो खतरे से बाहर हैं, हमने उनका मेडिकल चेकअप करवा लिया है। वैसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनका बर्ताव थोड़ा अजीब है। अजीब है मतलब? जी आप खुद ही देख लीजिए। बेटा आपको मुझसे बात करनी है, इधर आओ। गुड़िया आप तो बात ही नहीं कर रहे हो, मैं आपके भैया से बात करती हूँ। बेटा आपको बैठना है मेरे पास, आप मुझे अपना नाम अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना नाम मत बताओ। आपको पता है आपकी मम्मा कहाँ पर है? आप बताओ मुझे आपकी मम्मा कहाँ पर है? हाँ आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपकी मम्मा को यहाँ लेकर आ जाऊंगी आपके पास। बोलो आप अपनी दीदी को क्या बुलाते हो, मुझसे बात करो।
नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, बस। अच्छा, आपको भूख लगी है? मेरे पास बहुत टेस्टी खाना है, अगर आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। लाऊं? सुप्रिया लाओ, बाबा को भूख लगी है। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी खाना है। खाना है आपको? मैं खिलाऊं? हाँ, डॉक्टर बच्चे कैसे हैं? आप, ये उनकी रिलेटिव है? जी नहीं डॉक्टर, ये उनकी रिलेटिव नहीं, बट इन बच्चों को ढूंढा इन्होंने ही है। बताइए ना डॉक्टर, कैसे हैं? देखिए, बच्चों को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 5 से 6 साल से ये लोग उस घर में रह रहे थे। उस वक्त बच्चे की उम्र शायद 1 साल से ज्यादा नहीं होगी, और ये बच्ची भी बहुत छोटी थी। लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है वो वापस आई हो, लेकिन बच्चे उसे मिले ना हो। हाँ, लेकिन इस बात का तो पता नहीं चल सका है। लेकिन एक बात बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने दिन तक इन बच्चों ने बिना देख रेख के वहाँ सरवाइव कैसे कर लिया। हाँ, हो सकता है जब शुरू में इन बच्चों को जब उस घर में छोड़ा गया हो तो इनके पास खाने पीने का सामान था, लेकिन एक टाइम के बाद जब सब खत्म हो गया होगा तब इन लोगों ने कैसे सरवाइव किया होगा। और शायद इसीलिए इन्होंने जो भी गंदा कच्चा जैसा खाना मिला सब खा लिया। करेक्ट, बिकॉज हमें भी उस घर से कई कबूतरों, मुर्गियों और गिलहरियों के आधे खाए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। हाँ, जरूर मिले होंगे, तभी तो ये बच्चे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। ये लोग जंगल रूल फॉलो करने लगे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल। इन्हें नॉर्मल इंसानों की बातें तो समझ ही नहीं आती हैं। आपने इन बच्चों को गौर से देखा है? ये नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। वो देखिए जिस तरीके से वो खाते हैं, वो बैठते हैं, इनकी एक्टिविटी, इनका बिहेवियर, सब कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल इंसानों की तरह कुछ सीखा ही नहीं है। पर डॉक्टर, ये ठीक कब होंगे? देखिए, अगर इनकी अच्छे से देखरेख की जाए, प्यार से, तो कोई चांस है। इसीलिए हम इनको अनाथ आश्रम भेज रहे हैं, वहाँ ऐसे बच्चों की स्पेशल केयर की जाती है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने उन बच्चों को अपनी आंखों से देखा है। हर चीज मैं खुद उनकी हर चीज महसूस कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है, वो लोग उन बच्चों को ऑर्फनेज भेज रहे हैं। ऑर्फनेज भेज रहे हैं क्योंकि वो बच्चे स्पेशल हैं, और स्पेशल बच्चों को क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, इसीलिए उन्हें ऑर्फनेज ही भेजा जाता है। मानवी, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, इसीलिए वहाँ भेजा जा रहा है उन्हें। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, देखो अभी तुम उनको वहाँ पे जाके मिल सकते हो, लेकिन जब वो बच्चे अडॉप्ट हो जाएंगे तब तुम उन्हें मिल भी नहीं पाओगी, क्योंकि वो किसी और के बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनकी अपनी जिंदगी होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ज्यादा करीब मत जाओ, अपना दिल मत लगाओ उनके साथ। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए। हमारी? हाँ, हमारी। तुम्हें मेरे बारे में कुछ 5 चीजें बतानी पड़ेंगी जो तुम्हें मेरे बारे में पसंद है, जिसकी वजह से कि मैं औरों से अलग दिखता हूँ। एंड या, तुम्हें 5 और रीजंस बताने पड़ेंगे कि मैं एक अच्छा हस्बैंड क्यों। तुम मार खाना चाहती हो मानवी? नहीं, वो तुम अच्छे नहीं राहुल, तुम तो बहुत अच्छे हस्बैंड हो। तुम्हें ये सब, ये 10 के 10 रीजंस मुझे पंजाबी में बोलने होंगे।